नाली तोमर खबर लक्सर से है, जहां खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने अपने विधानसभा क्षेत्र में राज्य सेक्टर से प्रस्तावित 29 सड़कों का शिलान्यास किया। साथ ही खानपुर से 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही रानी देवयानी सिंह ने भी 5 सड़कों का शिलान्यास किया। चैंपियन ने बताया कि उनके प्रस्ताव पर सरकार ने 34 सड़कों के लिए 9.9 करोड़ का बजट दिया। खानपुर के भाजपा विधायक कुंवर प्रवर सिंह चैंपियन ने शेखपुरी में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने अपनी विधानसभा के नगरीय और देहात क्षेत्र में सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव शासन को दिया था। प्रस्ताव पर शासन ने कुल 34 सड़कों के निर्माण को मंजूरी देते हुए इनके लिए 9.9 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इन सभी सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग को करना है। विधायक ने लोक निवीन के अधिकारियों को जल्दी से जल्दी काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्रेणी की श्रृंखला का एक अंग आप देख रहे हैं, जो अदम्य विकास का हमने एक अहद उठाया खानपुर विधानसभा के लिए। हमने पिछले 3 महीने में 30 करोड़ रुपए के कार्य स्टेट सेक्टर से लोक निर्माण विभाग द्वारा सुनिश्चित करा दिए। आज 9 करोड़ के विकास कार्य हैं, 5 रुड़की खंड के हैं, 29 खानपुर खंड के, कुल मिला के 34 कार्य आज हैं। आज रानी देवयानी जी वरिष्ठ जिला पंचायत सदस्य इन सभी कार्यों का शिलान्यास कर रही हैं। विधानसभा खानपुर में आज हमने अनवरत कार्य कराए। लोकसभा में हमने कोने कोने में विकास कराया, चहुमुखी विकास कराया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य में भी सड़कों के जाल हमने बिछवाए, जिससे कि कनेक्टिविटी हो पाए क्षेत्रों की, और जो हमारा अति पिछड़ा क्षेत्र है उसको विकास उसके विकास को गति मिल सके। आज हमने लगभग 9 करोड़ रुपये का जो है हमने विकास मार्ग का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया है। खबर लक्सर से है, जहां पंजाब के महिला की करोड़ों रुपए की खेती की जमीन खुर्द बुर्द करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला राब तिम्प्यारी की 35 साल पहले मौत हो चुकी है। आरोपियों ने हाल ही में किसी दूसरी महिला को राम प्यारी बनाकर उसकी सैकड़ों जमीन किसी कई लोगों को बेच दी थी। हाल ही में लुधियाना के सिविल लाइन हीरा सिंह रोड पर रहने वाले राम प्यारी के रिश्तेदार जगमोहन विक पुत्र जगदीश विक ने लक्सर SDM कोर्ट में भी कोतवाली पुलिस ने 9 लोगों को नामजद करते हुए धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं धोखाधड़ी का मामला होने की वजह से पुलिस गंभीरता से इसकी जांच कर रही थी। जांच के बाद देर रात पुलिस ने आरोपी वेदपाल पुत्र शेर सिंह निवासी निरंजनपुर और राजेंद्र पुत्र रामपाल निवासी चांदपुर थाना पथरी को गिरफ्तार कर लिया है। लक्सर से खबर है, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लक्सर से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित चीड़बाग में बन रहे प्रदेश के पहली बार मेमोरियल में जल्द वायुसेना की वीर गाथाओं की याद में एक MiG-21 विमान भी मेमोरियल की शान बढ़ाएगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की संतुति के बाद वायुसेना ने एक MiG-21 वार मेमोरियल के लिए रिवील किया था। आज इस संबंध में छावनी परिषद गढ़ी कैंट की CEO तनु जैन ने कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि MiG-21 का पहला भाग प्राप्त हो चुका है, जल्द बाकी भाग को भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय और केंद्रीय मंत्री रक्षा
राजनाथ सिंह के अतः प्रयास के बाद जल्द मेक 21 को छावनी परिषद में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द मेक 21 को लगाया जाएगा, साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य में यह पहली बार होने जा रहा है। दिल्ली और अम्बाला से जल्द अन्य पोर्ट्स अन्य पार्ट्स आने जा रहे हैं, साथ ही साथ साल 2015 से इस प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। और जब इसका पूरा पार्ट हमारे पास दिल्ली से आ जाएगा, अम्बाला से आ जाएगा, उसके बाद हम इसे प्लेस कर देंगे। अम्बाला की टीम आई थी, अम्बाला से स्पेशलिस्ट वेंडर्स होते हैं जो स्पेशली एयरक्राफ्ट को लगाने के लिए लगते हैं, तो हमारे पास वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं थी, तो वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज हमने अम्बाला से ली है। अम्बाला से वहाँ से वेंडर्स आए थे हमारे पास एंड दे हैव फाइनली पुट द होल सिस्टम इन प्लेस जिसके ऊपर हमारा MiG-21 स्थापित होगा। उत्तराखंड के लिए गौरव करने वाली खबर सामने आई है, जहां दरअसल उत्तराखंड के मूल रूप से टिहरी जनपद के रहने वाले शिक्षक रमेश प्रसाद बडोनी का पूर्ण उज्ज्वल विकसित शिक्षक पुरस्कार स्कॉलरशिप के तहत चयन हुआ है। शिक्षक रमेश प्रसाद बडोनी ने बताया कि भारत से इस स्कॉलरशिप के लिए केवल 2 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें से एक उनका नाम है। इसके तहत एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में 5 महीने के लिए वह प्रशिक्षण के लिए जाने वाले हैं, जिसमें वह उत्तराखंड के दुर्गम स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था को बेहतर बनाने का अध्ययन करेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट से राज्य में इंटरनेट की सुविधा ना होने के बावजूद कैसे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और उनकी परीक्षा कराई जा सके, इन सब प्रोजेक्ट में वह अध्ययन करेंगे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार का भी सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि शिक्षक रमेश प्रसाद बडोनी वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज मिस रास पट्टी में पढ़ाते हैं। अब तक उन्होंने कई अवार्ड भी जीते हैं, जिसमें से सूचना संप्रेक्षण तकनीकी अवार्ड, नेशनल टीचर अवार्ड, ग्लोबल इनोवेटिव टीचर अवार्ड समेत कई अवार्ड उन्होंने जीते हैं। प्रोग्राम का नाम है फुलब्राइट इनोवेटिव टीचर्स, और उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। ये FDAI करके होता है, जिसमें जो है ऑल ओवर वर्ल्ड से टीचर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और वो टीचर्स पार्टिसिपेट करते हैं जो खास करके इस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट या इस तरह के एजुकेशनल रिसोर्सेज डेवलप करना चाहते हैं जो उनके एरिया के लिए या उनके स्टेट के लिए फ़ायदेमंद हो। खबर हरिद्वार से है, जहां वैश्विक महामारी COVID-19 की तीसरी लहर के आने से पहले 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी शम कुमार झा ने बताया कि पूरे स्टेट के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया गया, जिसके चलते संक्रमण की थर्ड वेव आने से पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां की जा रही है, जिसमें की थर्ड वेव से होने वाले नुकसान से काफी हद तक बचा जा सके। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इनमें बच्चों की उम्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 0 से 1 साल और 1 साल से 10 साल और 10 साल से 18 साल के बच्चों के लिए डोज के पैकेट बनाए गए हैं। ये हमारे पूरे स्टेट के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट देने के लिए पूरा प्लान है सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। उसमें थर्ड वेव जो आने वाली है उसको उससे बचाव के लिए कि हम अगर दवाई पहले दे दें तो हमारे बच्चे इन्फेक्टेड नहीं होंगे और हम उनका इम्यूनिटी बूस्टअप कर सकते हैं, बाकी दवाई से उनको स्ट्रेंथ दे सकते हैं, जिससे कि थर्ड वेव अगर आएगी जिसकी तैयारी हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं तो आएगी भी तो उतना नुकसान नहीं हो पाए। और इस वक्त उत्तराखंड से खबर आ रही है, जहां कोरोना के बाद आज से खुलेंगे स्कूल। कोरोना के बाद आज से स्कूल खुले, 9वीं से 12वीं तक के खुले स्कूल। स्क्रीनिंग कर ही छात्रों को दिया गया प्रवेश। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ही बैठने की व्यवस्था। कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। स्क्रीनिंग कर ही छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन हो रहा है।
सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ही बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं जहां स्क्रीनिंग कर ही बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है स्कूल के अंदर। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले। स्क्रीनिंग कर छात्रों को स्कूल के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। आज प्रदेश में कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों को सरकार द्वारा खोल दिया गया है। साथ ही साथ लक्सर के साथ इंटर कॉलेज में भी कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं, लेकिन यहां उम्मीद से बहुत कम छात्र छात्राओं की संख्या है विद्यालय में पहुंच रही है। स्कूल प्रबंधन ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। स्क्रीनिंग करके ही स्कूलों के अंदर दाखिल दिया जा रहा है। बता दें कि आज से स्कूल खुल गए हैं बच्चों के और स्क्रीनिंग करके बच्चों को एंट्री मिल रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। लक्सर से राम गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देहरादून से अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्सर राम गोपाल से हम जानना चाहेंगे। राम गोपाल, जिस तरीके से आज कोरोना के चलते स्कूलों को खोला गया है, क्या देखने को मिल रहा है आज पहले दिन? देखिए सोनाली, जिस तरीके से कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर, यानी कि इस बार हालांकि प्रदेश में जो कोविड की तीसरी लहर है वो संभावित बताई गई है, सरकार ने जो यानी कि एक दो शिफ्टों में जो इस विद्यालय है उनको खोलने की जो अनुमति है वो दे दी है। और साथ में आज से पूरे प्रदेश में जो शिक्षण संस्थान है वो सभी खोल दिए गए। लेकिन साथ में जिस तरीके से फिलहाल अभी छात्र और छात्राएं स्कूलों में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले ही विद्यालय जो प्रबंधक की जो समिति है उनके द्वारा पहले ही यानी कि पुख्ता इंतजाम कोविड की दृष्टि को देखते हुए कर लिए गए थे। साथ में यानी कि जो विद्यालय है, विद्यालय परिसर में जो सैनिटाइजिंग यानी कि कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन है लगातार जो प्रबंधक यानी कि स्कूल प्रबंधक है उनके द्वारा किया जा रहा है। और साथ में आज जिस तरीके से स्कूलों को जो खोला गया है, छात्र छात्राएं स्कूलों में पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यानी कि काफी टाइम बाद आज स्कूलों की जो शुरुआत प्रदेश में की गई है, तो कहीं ना कहीं जो छात्र छात्राओं की जो संख्या है वो फिलहाल बहुत कम देखने को मिल रही है। लेकिन जो स्कूल प्रबंधक जो समिति है उनके द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन है वो लगातार किया जाने की छात्रों को गेट पर ही छात्र छात्राओं को गेट पर ही सैनिटाइजिंग और यानी कि जो टेम्परेचर जो चेक किया जा रहा है, और साथ में जो एक कोविड प्रोटोकॉल है सोशल डिस्टेंस को लेकर ही कहीं ना कहीं विद्यालय में जो है उनको प्रवेश दिया जा रहा है। और साथ में जो एक बैठने की व्यवस्था जिस तरीके से सरकार ने एक कोविड के मद्देनजर यानी कि जो शिक्षण संस्थान है उनको लेकर के गाइडलाइन बनाई है कि जो जहां जिस स्कूल में जो छात्र संख्या है वो ज्यादा है तो वहां उस स्कूल में जो यानी कि दो शिफ्टों में जो क्लासेस चलाई जाएंगी, लेकिन जहां जो छात्र संख्या वो कम है तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस को लेकर के एक प्रोटोकॉल के तहत उनको मेंटेन किया जाएगा। तो साथ में इस तरीके की जो व्यवस्था है लगातार लक्सर में भी हमने जो है देखने को मिली है, जिस तरीके से हमने जाकर के जी। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, आज से स्कूल खोल दिए गए हैं उत्तराखंड में, देहरादून में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आज पहला दिन है स्कूल का और काफी बच्चे जो है पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राम गोपाल ने बताया कि संख्या कहीं ना कहीं पहले के मात्रा में अब बच्चों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है, देहरादून में क्या देखने को मिल रहा है स्कूलों के अंदर? देखिए, कोरोना से नियंत्रण होते हालातों को जिस तरह से होने के बाद से अब जिस तरह से सभी स्कूलों को खोल दिया गया है, और आज अगर राजधानी में स्कूलों की बात करते हैं तो जिस तरह से नियमों का पालन करने के लिए जो गाइडलाइंस है उसका पूरा पालन करवाने के लिए जो समिति है वो पूरी पूरे तट पर है। समय जिस तरह से एंटर होने पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल्स बनाए गए हैं, हाथ सैनिटाइज स्टूडेंट्स के यहाँ पर छात्राओं के करवाए जा रहे हैं, उनका बकायदा टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है, साथ साथ स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखा जाए इसको लेकर भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सरकार द्वारा तो सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन अभी स्कूल में जो शिक्षक है
या फिर जो समितियां हैं उनको नियमों का पालन करवाना, ये अपने आप में उनके लिए हालांकि बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ अभिभावक नाराजगी भी दिखाई दी कुछ अभिभावकों में, और साथ ही साथ नेशनल एसोसिएशन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट राइट एसोसिएशन द्वारा भी इसको लेकर आपत्ति जताई गई। उनका एसोसिएशन का साफ तौर पर जिस तरह से ये कहना है, हाल ही में जिस तरह से उन्होंने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और उस पर नाराजगी आपत्ति करी, साफ तौर पर उनकी ये बात कही गई कि अगर किसी भी स्टूडेंट में या किसी भी छात्र में किसी कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि छात्रों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है, छात्रों की वैक्सीन अभी नहीं आई है, और जब तक छात्रों की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक स्कूलों को ना खोला जाए। अशोक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से तीसरी लहर आने की संभावना है अशोक, और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो होगी वो काफी ज्यादा बच्चों पर प्रभावित कर सकती है, इसी को देखते हुए बच्चों के लिए अस्पताल भी जगह जगह बनाए जा रहे ताकि पहले से तैयारी कर ली जाए, लेकिन जहां एक तरफ स्कूल खोल दिए गए हैं तो बच्चों को कितना कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे जो है स्कूल में जाते हैं और उनकी देख रेख के लिए कौन आखिर जिम्मेदार होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर किसी भी एक बच्चे को पॉजिटिव पाया गया तो वो पूरा संक्रमण फैल सकता है। बिल्कुल सोनाली, ये बात एक मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि छोटे बच्चे होते हैं और उनके साथ अगर सावधानी बरतना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होता है, इसी को लेकर जो है समिति द्वारा भी हर स्कूल में विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह की बच्चे की अगर पढ़ाई करते हुए भी अगर कोई बच्चा छींकता भी है या खांसता भी है तो उसके साथ मतलब वहां पर जो है जो समिति है जो लोग है उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज का साफ तौर पर ध्यान रखा जाए कि तभी सैनिटाइज कराया जाए, खास तौर पर जब इंटरवल होता है उन खाने के दौरान भी इस चीज का साफ तौर पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि किसी भी तरह की कोई परेशानी बच्चों को ना हो, क्योंकि ऐसे में जिस तरह से तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी घातक बताई जा रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक तरफ जहां सरकार द्वारा अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से आरक्षित अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं, पूरी तैयारी है सरकार द्वारा लगातार की जा रही है, तो दूसरी तरफ आज से स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन नियमों का पालन करवाना अपने आप में प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। जी रामगोपाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से तीसरी लहर आने की संभावना है, कहीं ना कहीं दावत भी दी जा रही है और कुछ जो पेरेंट्स हैं वो काफी ज्यादा आक्रोश भी जता रहे हैं, और काफी मात्रा में जो बच्चों की जो संख्या पहले देखने को मिल रही थी वो अब कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रही है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या बच्चे खुद इसके लिए सक्षम है, क्या बच्चे खुद कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर पाएंगे? देखिए सोनाली, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में यानी कि जिस तरीके से आज जो विद्यालयों की जो स्थिति है यानी कि खोल दिए गए हैं प्रदेश सरकार द्वारा, जो छूट एक तरीके से दी गई है, क्योंकि कोविड की जो तीसरी वेव है यानी कि वो भी प्रदेश में संभावित बताई जा रही है, तो उसके मद्देनजर हालांकि सरकार दावे कर रही है कि वो तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन ऐसा अभी तस्वीरों में ये देख सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो है स्कूल से ही स्कूल समिति यानी कि प्रबंधक समिति द्वारा वापस लौटा दिए गए हैं, यानी कि जो बच्चे कोविड यानी कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं उनको स्कूल में बैठने की अनुमति जो है जो स्कूल प्रबंधक समिति है वो नहीं दे रही है, क्योंकि साथ में ये उनके साथ में ये भी कहा जा सकता है कि ये एक उनका फैसला है वो अहम है, क्योंकि छात्र छात्राओं की बता दें कि सभी स्कूलों को सैनिटाइज करवाया गया है और थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही बच्चों को स्कूल के अंदर प्रवेश दिया गया है। अशोक और रामगोपाल, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि उत्तराखंड में आज से स्कूल खोले जा चुके हैं और स्क्रीनिंग करने के बाद ही बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है और गोले भी बनाए गए हैं ताकि बच्चे जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही साथ मास्क भी बच्चों को दिए गए हैं ताकि पूरा कोरोना नियमों को पालन किया जा सके और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी को भी कोरोना ना हो सके और तीसरी लहर से हम बच सके। फिलहाल के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत ना हारें, दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है।
कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। जुबाई के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर हरिद्वार से है जहां शिवालिंग नगर देशी शराब की दुकान के सेल्समैन की दबंगई सामने आई है। वहीं युवक के साथ मारपीट की गई। देशी शराब के सेल्समैन ने युवक पर दुकान के बाहर बैठकर अवैध शराब बेचने का आरोप लगाया। देर रात्रि देशी शराब की दुकान में बंद करके युवक के साथ मारपीट की गई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गैस प्लांट चौकी इंचार्ज ने कहा कि अभी तक हमारे पास इस मामले पर कोई शिकायतकर्ता नहीं आया है, लेकिन वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। जो भी आरोपियों पर उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उत्तराखंड में आज से कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के स्कूल खुल चुके हैं, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कोरोना काल के चलते सभी स्कूलों को बंद कर दिया था, जिसके बाद से अब कोरोना से नियंत्रण होते हालातों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सभी स्कूलों को खोल दिया है। बच्चों की सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। पहले हमने सैनिटाइजिंग करवा रहे हैं, सब सारी सफाई करवा रहे हैं और जो जरूरी है वो करने के बाद ही स्कूल खुले। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप और मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार से मांग की है कि चार धाम यात्रा को अभिलंब खोला जाए, जिससे लोगों की रोजी रोटी का संकट जो उत्पन्न हो गया है उससे राहत मिल सके। दोनों प्रदेशों में धार्मिक पर्यटन और पर्यटन से जुड़े हुए सारी गतिविधि पूरी तरह खुली हुई है, जबकि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर अभी तक सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। आपसे बस इन्हीं बातों के लिए आज मुख्य उद्देश्य और प्रमुख कारण चार धाम यात्रा है। मुख्य उद्देश्य हमारा निवेदन है कि राज्य सरकार व्यापारी हित की बात सोचे, व्यापारियों की बात सोचे, जिससे कि व्यापारी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके और लोगों को रोजगार देने में सक्षम रहे। अगर राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए व्यापारी हित में, तो उसका खमियाजा हाल की राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। साथ में चार धाम यात्रा बंद होने से जिस प्रकार से नुकसान एक छोटे से बड़े व्यापारी को हो रहा है, मजदूर को हो रहा है, रिक्शा चालक को हो रहा है, घोड़ा संचालक को हो रहा है, और जो हमारे पुरोहित जो वहाँ बैठे हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लेकर अपनी प्रसाद बांटने की दुकानें लेकर बैठे हैं, सब इतना इसका नुकसान हो रहा है कि अगर इन सबको जल्दी सुधारा नहीं गया तो उसका खमियाजा राज्य सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा। सरकार पिछले 2 साल से हमारे पहाड़ की लोगों की जो आर्थिकी का एक मेन सोर्स है, रोजगार का एक मेन सोर्स है, वो है चारधाम यात्रा। खासतौर पर इस परिपेक्ष में जब ये कोविड की महामारी से प्रदेश और मेरी तरफ से पड़ा है, एक जो आपदा है इसके कारण कई लोग वापस अपने घरों में आए हैं,
उनके लिए रोजगार के भी साधन एक यही है, कोई आगे सोचता था मैं ढाबा चलाऊंगा, कोई सोचता था मैं ठेला चलाऊंगा, कोई सोचता था मैं पूजा की सामग्री बेचूंगा। चारधाम यात्रा के शुरू ना होने के अभाव में ये सब लोग बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया तो ये अंदाज आया, कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पढ़ी जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-239-0031 और 0512-239-0032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पढ़ी जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-239-0031 और 0512-239-0032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर।